हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर टू। जो जो प्रॉब्लम है उसको एक एक करके प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है चले जाओ और दूसरी वीडियो देखो, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन निकालना है, करा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। हीरो, तो देखो सबसे पहले जब भी तुमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले ये बात को तुम देखो। किस बात को देखो? देखो हम बता रहे हैं, जो देखो सबसे पहली बात ये है हीरो, कि जब भी तुमको समस्या किससे होती है, माइनस वाले से। इससे तुमको कोई परेशानी नहीं है, माइनस वाले से परेशानी? अरे भाई, तो माइनस वाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो जब भी तुमको माइनस दे, तो इस तीनों बच्चे को याद करो, ये तीनों जो बच्चे बैठे हैं ना, इसको याद करो कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता क्या है, तो पाई माइनस थीटा। सेक इनवर्स क्या होता है? माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ लिखा है टेन इनवर्स, मैंने भी लिखा टेन इनवर्स। भाई एक जो दिया है तो टेन ही में देखो एक किसका वैल्यू होता है। तो बोलोगे सर टेन पाई बाई फोर, तो एक के बदले मैं कितना लिख दिया? पाई बाई फोर प्लस। जैसे ही देखो सर माइनस में ठीक आ गया तो कहाँ ना है? पाई, मैंने भी लिखा पाई। और जो वन बटा टू है तो कॉस में ही देखो कि वन बाई टू किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कितना? वन बाई टू। तो भाई कॉस 60 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाई थ्री, ठीक है ना। तो पाई माइनस, तो माइनस, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई थ्री, क्लियर है ना। अब यहाँ से क्या होता है, इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन दोनों कट जाता है, बचा क्या? पाई बाई फोर प्लस। अब देखो ये दोनों का लघुत्तम लेना आता है ना, ये दोनों का लघुत्तम लूंगा तो तीन आएगा, तीन में से एक गया, दो आ गया। भाई लघुत्तम तो तुम लोग जानते हो, अब ये बात बताऊँ नर्सरी क्लास में पढ़ने के, ठीक है ना। तो यू आर ए गुड बॉय, देन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आगे क्रिया किया तो 11 पाई बाई टू, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 11 पाई बाई टू, क्लियर है ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस, चलो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाबू बोला है प्रूव दैट कॉट इनवर्स इतना को कैसे करें। तो इसका प्रोसेस बहुत सारा, इसका सेकेंड प्रोसेस क्या है कि तुम इसका रेशनलाइज करके बना सकते हो, ठीक है ना। बट मैं रेशनलाइज नहीं किया हूँ, मैं फार्मूला लगाया हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, वन को हम लिख सकते हैं रो कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस। अच्छा बाबू तुम एक मुझे फार्मूला बताओ, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं बोलूं कि भाई कॉस थीटा का फार्मूला बोलो, देखो तो जब यहाँ दो थीटा था तो क्या हो गया? एक थीटा, क्लियर है ना हीरो। तो जब यहाँ एक रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। जब यहाँ दो था तो एक थीटा हो गया, जब यहाँ एक रहेगा तो आधा, ठीक है ना। मैं एक नियम, एक दिमाग लगाया कि सर वन को क्या किया जाए, पहले रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे ना, वन प्लस साइन एक्स वन को बदले लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। क्यों? दसवां में हम लोग पढ़ाए ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, क्लियर है ना। अब देखते हैं सर, आप बोलोगे सर आपने हाफ एंगल क्यों लिखा? अरे हीरो इसके वजह से बउआ, इसके वजह से, क्योंकि साइन एक्स को लगाता तो ये हाफ एंगल में आता। तो बताओ इधर हाफ एंगल में और इधर फुल एंगल में, खूबसूरत नहीं ना दिखता? तो इसीलिए मैंने भी इसको हाफ एंगल में लिखा। मतलब जिंदगी में तुम याद रखोगे हीरो कि जब भी तुमको दिखाई दे वन प्लस साइन एक्स या वन माइनस साइन एक्स, तो किस रूप में तोड़ना? इसके रूप में, क्लियर है ना। देखते हैं तो यहाँ से देखो, मैंने इसका क्रियाकलाप किया है, गौर से देखना एक एक बार में। यहाँ लिखा है कॉट इनवर्स, देखो हमें अभी तो पता है पीछे, ठीक है ना, कि वन प्लस साइन को क्या लिखना है, इस प्रकार में लिखना है, प्लस वन माइनस साइन को इस प्रकार में लिखना है। मैं फार्मूला बताया हूँ, ऊपर वाले को भी ये, नीचे वाले को भी ये। अब देखो ही रहो, कहीं ना कहीं तुमको एक चीज लॉजिक बैठ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फार्मूला जानते हो ना
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हीरो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ना था? अब देखो, जब लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बाबू इतना जब लिखा हुआ है तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ ए स्क्वायर यानी ए था तो ए लिखा है। मेरे पास क्या हीरो, कॉस स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। हीरो जब यहाँ माइनस में रहना तो माइनस वाला फार्मूला होता है, यहाँ क्या हो जाता है फार्मूला माइनस वाला। देन नीचे भी सेम वही प्रक्रिया, क्रिया ना। तो देखिए अब क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हीरो, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉट इनवर्स। देखिए बचा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, नीचे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। बाबू माइनस है तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस कॉस एक्स वाई टू। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस एक्स वाई टू। क्लियर है ना? अब बच्चा कॉट इनवर्स, एगो कॉस एक कॉस दो कॉस हो गया, नीचे में एक साइन दो दो कट गया, कॉट इनवर्स। अब कॉस वाटा साइन क्या जानते हो, कॉट फार्मूला जानते हो नहीं रो, कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या जानते हो, कॉट एक्स, ठीक है ना? तो एक यहाँ लिखा, अब सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन खत्म, बच गया एक्स वाई टू। चलिए आपका दूसरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, अब तीसरी हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, दैट्स गुड क्वेश्चन, मजा आने वाला क्वेश्चन है, रिलैक्स होके देखते हैं, ठीक है ना? बाबू जिंदगी में तुमको जब भी कोई परेशानी आए, यानी कि क्वेश्चन ऐसा दे दे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पता है इनवर्स वाले प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ मानने का कोशिश करो। तो यहाँ दिया क्या टैन, और इतना दे दिया, बताओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके बाद यार, इसको किस चीज़ में बदल सकता हूँ? अगर टैन में भी बदलता हूँ तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि बीच में 1/2 आ रहा है, तो परेशानी क्रिएट करेगा। तो पता है जो परेशानी डाले उस पूरा पार्ट को कुछ मान लो, मैंने इस पूरा पार्ट को क्या मान लिया, थीटा। अब देखो साइन इनवर्स 3/4, 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 थीटा। क्लियर है ना? अब पता है रो, जिंदगी में तुमको एक फार्मूला पता होगा, देखो इनवर्स है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना? इनवर्स है इधर आया सिंपल। अब देखो हीरो 3/4, पता साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, 2 tan थीटा 1 plus tan square थीटा। मैंने भी हीरो फार्मूला लगाई है, कोई बड़ी बात नहीं। कैचिया गुना करेंगे, कैचिया वाला गुना पता है ना, क्रॉस 3 into 3 1, फिर कितना 3 tan square बराबर 4 2 जा 8 tan थीटा। क्लियर है ना? अब सारा पार्ट को मैं ये जगह ले गया हूँ, इधर बच गया 0। क्लियर? अब देखो हीरो मुझे क्या है ना, ये तो आ गया क्वाड्रेटिक में, बट ये टूटता नहीं है। तो मैं 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा हूँ, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हीरो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट ए होता है और ये वाला पार्ट पूरी पार्ट बी होती है, ये पार्ट सी होती है, ठीक है ना? तो बी माइनस बी के जगह कितना हो गया माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, फार्मूला वाला 4, ए के जगह कितना हीरो 3 और इंटू सी। क्लियर है ना? नीचे 2a। क्लियर? फार्मूला पे सेट किया हूँ। अब देखो हीरो, हाँ भाई आ गया माइनस माइनस प्लस 8, 8 64 में से बाबू कितना गया 36 मल्टीप्लाई के बटा 6। क्लियर? अब देखते हीरो 8 plus minus 28 बटा 6, 8 plus minus बाबू 28 को तुम इस पार्ट में तोड़ो कि एक का पूरा पूरा वर्गमूल निकले। तो मैंने तोड़ा कितना 4 और 7 में, तो 4 का निकल गया 2 और रूट 7, ठीक है ना? फिर 2 ऊपर से कॉमन लिए तो बच गया 4 plus root 7 बटा 6, और ये 4 plus minus आ गया, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से तो 2 वैल्यू निकल रहा, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस में जो निकलेगा ये वाला हीरो 4 plus root 7 और बटा 3, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी, क्योंकि 4 और root 7 इसका मतलब 2 root कुछ मतलब 2 but 2 point something डिवाइड करके आ जाएगा,
जो कि टैन एक्स का रेंज से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस वाला नहीं होगा, माइनस वाला। टैन में आ गया इतना वैल्यू, क्या आ गया, टैन थीटा बराबर 4 माइनस इतना। तो थीटा बराबर क्या हो गया हीरो, टैन इनवर्स। कैसे निकालेंगे, जैसे ही होता है ना ये फंक्शन को तुम इधर ले जाओगे तो थीटा तो रह जाएगा, ये का के इनवर्स फंक्शन में हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर नाउ आते हैं टैन इनवर्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था हीरो, जो हमने माना था, देखो क्या माने थे, इतना बड़ा एक्स थीटा माने था ना। तो टैन और थीटा बराबर हम लोग क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना को हम थीटा माने थे, अब ये तो कट गया भाई, बच गया कितना 4 -√3, यही तुमको प्रूव करना था, क्लियर है ना। अगली क्वेश्चन देखते हैं, चलो भाई बहुत अच्छी ये भी क्वेश्चन है, इनवर्स का जितना भी प्रॉब्लम आ रहा। अच्छा देखो, कर प्रूव करना है टैन इनवर्स इतना, बाबू जब भी ध्यान देना, जब भी निकल जाए तुमको कॉस एक्स, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। वैसे मैं एक फार्मूला का वीडियो बनाऊंगा, इस पे फार्मूले बहुत सारे हैं। तो बाबू कॉस एक्स का हो गया कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, अब बचा 1 + sin x। तो अभी मैं तुमको पिछले वीडियो में बता, अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया हूँ कि भाई जब भी 1 + sin x दिखाई दे तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा तोड़ना है, बताया हूँ ना, क्लियर है। अब देखो ऊपर वाला क्या हो गया हीरो, ये लग रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुमको नहीं पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हीरो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हो गया, मैंने भी थोड़ा इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो हीरो फार्मूला पे सेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्लियर। तो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो एक प्लस वाले से तो कट जाएगा क्योंकि 2 है, अब मैं ऊपर से कॉस, ऊपर नीचे कॉस एक्स बटा 2 से भाग दूंगा। अब तेरे दिमाग में आएगा सर आपने भाग क्यों दिया, क्या परेशानी थी आपके। तो मैंने सोचा भाई लाना है तुमको π/4, तो π/4 लाओगे कैसे। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ मैं कॉस एक्स बटा 2 से भागा दे दूँ तो आ जाएगा 1। भाई हमको टैन इनवर्स भी हटाना था ना, यानी ये पूरा फॉर्मेट टैन में आएगा तभी ना मेरे पास कोई कल्याण होगा। क्या होता ना, हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब जब इस फॉर्मेशन में दिया है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हम लोगों ने हमेशा कॉस एक्स से भागा दिया ताकि कोई फॉर्मेशन में टूटे, ठीक है ना। तो कॉस एक्स बटा 2 से हमने भाग किया, ठीक है ना। देखते हैं, तो ऊपर भी कॉस एक्स बटा 2 से नीचे भी, क्लियर है। देखते हैं तो क्या हो गया, ये पूरा बाबू पूरा पार्ट कट गया, तो 1 - sin/cos 10 में, क्लियर है ना, ऊपर नीचे सेम प्रोसेस। अब टेन इनवर्स, अब देखो मैं इसका एक जगह फार्मूला लिखा हूँ, फार्मूला नहीं लिखा हूँ, चलो चलो लिखा हूँ कि 1 - tan x और 1 + tan x जब भी आए तो फार्मूला होता tan π/4 - x/2। एक फार्मूला और याद रखना ही रहो, को कहाँ गया यार, आजा आजा। हाँ देखो, अगर यही तुमको प्लस में आ जाए 1 + tan x और 1 - tan x, तो फार्मूला हो जाएगा हीरो टैन, बस यहाँ पे सिर्फ पाई हो जाएगा, π/4। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स आएगा, xy2 रहेगा तो xy2 आएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने बस यहाँ पे ये फार्मूला ऊपर जो बताया हूँ इसके बाद ये लिख दिया हूँ, और ये पार्ट पट गया, ये आंसर आ गया भाई, यही तो सीध करना था, क्लियर है हीरो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17, ऐसा क्वेश्चन है। जब तुमको दिमाग काम नहीं करे इनवर्स में तो सारा पार्ट को सबसे पहले टैन में चेंज करो। मैंने भी कहाँ से चला हीरो, LHS से चला, लिखा सबको मैंने टैन में चेंज किया, तो ये साइन है तो टैन में चेंज करेंगे। ये है लंब बटा कर्ण, मुझे लाना है टैन में लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 8 और मैंने आधार निकाल लिया 15। आधार निकालना आता है ना, नहीं आता छोड़ दो पढ़ना, गद्दा इतना बड़े हो गए तुम लोग को अभी आधार निकालना नहीं आता, कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई बिलीव यू, ठीक है ना। प्लस इसको भी टैन में चेंज करेंगे बाबू, 3/5 है यानी लंब बटा कर्ण है, इसको चेंज करूंगा लंब बटा आधार। देखो मैं फॉर्मेशन लिख दूँ, ठीक है ना।
चलो एक फार्मूला होता है हीरो, तुम लोग इसको याद रखना, पूरा इनवर्स क्लियर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है हीरो? तो देखो इस फार्मूले पे आया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या फार्मूला होता है टेन इनवर्स, मैंने भी लिखा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, बाबू इसके पास एक्स था और वाई था तो एक्स वाई लिखा, मेरे पास है 8/15 प्लस 3/4, ठीक है ना। नीचे भी इस फॉर्मेशन पे सेट किया गया भाई। तो टेन इनवर्स मैंने लघुत्तम लिया 60 आया और भिन्न का जोड़ बना लिया, भिन्न का जोड़ पढ़े हो ना हीरो, कितनी अच्छी बात है, हम लोग बचपन वाला क्वेश्चन आ रहा, ठीक है ना। तो कट गया यानी 77/36 आंसर आ जाएगा, कट कुट के सॉरी 36 ही ना आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है हीरो, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो हम लोग ये देख लिए, आगे क्वेश्चन एक और अच्छी सी लगता आने वाली है। हाँ देखो बोला 16x बराबर इतना दिए हुए रहो, देखो साफ लग रहा है कि भाई दोनों को मैं एक कास्ट में चेंज कर लो तो एक जाति में, तो टेन इनवर्स 2x ये जो चेंज हुआ बाबू, कॉट है तो मैंने चेंज किया टेन में, क्यों सर जी, ताकि दोनों एक जात में आ जाए, अब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे और पाई बाई थी, क्लियर है ना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला पे हीरो कहाँ गया तुमको, ये वाला फॉर्मूला पे टेन टू थीटा सेम ये चीज लग रहा है कि नहीं, कि टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा लग रहा है ना ये फॉर्मूले पे, यानी मुझे कमी किसकी है कि सर एक्स के जगह क्या होना चाहिए टेन थीटा, तो मैंने मान लिया भाई कि एक्स की जगह टेन थीटा और टेन इनवर्स एक्स बराबर मैंने क्या हो गया टेन इनवर्स, ये इधर गया तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब बस टेन इनवर्स टू का टू जहाँ जहाँ एक्स मिला मैंने टेन पुट किया, देखो यहाँ भी एक्स है टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रक्रिया किया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो फिर टेन इनवर्स, अब इतना के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ टेन टू थीटा, मैंने लिखा टेन टू थीटा प्लस टेन इनवर्स, इतना के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ टेन टू थीटा बराबर पाई बाई टू, सिंपल इनवर्स फंक्शन, सिंपल फंक्शन खत्म हो गया टू थीटा प्लस ये खत्म हो गया हीरो टू थीटा पाई बाई फोर, यानी कि मेरे पास आ गया, अब मैं थीटा को निकालूंगा तो ये नीचे चला गया यानी पाई बाई फोर, बाबू थीटा का मैंने मान ऑलरेडी क्या निकाल रखा है, देखो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है ना। तो देखो मैंने भी लिखा थीटा के बदले लिखा टेन इनवर्स एक्स, यहाँ आ जाते हैं नीचे, क्लियर है ना। अब देखते हैं बाबू लिखे, अब एक्स बराबर इधर सिंपल है, इधर इनवर्स है, इधर आके सिंपल, अब पाई बाई फोर ठीक है ना, पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई ट्वेल्व का मतलब होता है 15 डिग्री और टेन 15 की मान होती है 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, लगता है आगे प्रॉब्लम ही मैंने नहीं किया, ओ एक और प्रॉब्लम है ठीक है ना, छुपा हुआ था भी छूट जाता। देखो तो क्या करते हैं, इतना बराबर इतना हमको क्या करना है प्रूव करना है बाबू, यहाँ से देखो क्या कॉमन है 9π/4 कॉमन है ना, तो बचा π/2 और साइन इनवर्स 1/3, क्लियर है ना 9π/4। अब देखो ही रो क्या आ गया बताइए, π/2 − sin−1θ बाबू होता है cos−1θ, क्यों सर जी कैसे, मुझे नहीं पता है तो मैं बताता हूँ ना, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा हीरो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 − sin−1θ, ठीक है ना। देखो तो यही फार्मूला है ना, π/2 − sin−1θ, लिख सकता हूँ मैं कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है, मैंने यहाँ लिखा, बट तुमको प्रूव करना बाबू फिर से साइन में, तो 9π/4 अब साइन में करना, तो मैं इस चीज़ को साइन में चेंज कर दूंगा, यानी मुझे लम नहीं मालूम है, जब मैं लम निकालूंगा तो देखो मैं यहाँ ऑलरेडी लम निकाल चुका हूँ, आएगा 2√2 बट्टा करना आएगा √3, ठीक है ना। तो मैं सारा क्वेश्चन कर चुका हूँ, कुछ और क्वेश्चन बचा है मैं इसका सेकेंड पार्ट में कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं आगे पार्ट में बनाऊंगा, थैंक यू और देखते रहो, अगर थोड़ी मैं स्पीड हूँ तो बाबू कमेंट में बॉक्स करो सर थोड़ी स्लो हो जाओ, मैं स्लो हो जाऊँगा ठीक है ना। तो क्लियर ही रहो, थैंक्स ए लॉट, एंड देखते रहिए और लगे रहिए 95 पार की तैयारी में, थैंक्स हीरो,
लगे रहो, बाय।